अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसी ऐतिहासिक दिन को नव निर्मित मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सियासत से लेकर खेल और आध्यात्म से जुड़ी तमाम हस्तियों को भी कार्यक्रम में आने का न्योता मिला है। लेकिन मंदिर के पूर्ण निर्माण से पहले प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं। 22 जनवरी को ही प्रतिष्ठा क्यों है? काशी के विद्वानों ने इस पर जवाब दिया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है, इसको लेकर के 26 तर्क दिए गए हैं। दरअसल कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये आरोप लगा रही हैं कि राम मंदिर की अधूरे निर्माण के बावजूद प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। और भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसको लेकर के 26 तर्क दिए गए हैं। क्या सवाल उठ रहे हैं और उनके जवाब क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि मंदिर अभी अधूरा है लेकिन प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, क्या ये शास्त्र सम्मत है? जवाब दिया गया है कि संपूर्ण मंदिर ना बनने पर भी प्राण प्रतिष्ठा संभव है। ये काशी के विद्वानों का जवाब है। सवाल यह भी है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो शास्त्र सम्मत है, इसको लेकर के तर्क दिया गया है कि कलश प्रतिष्ठा सन्यासी से कराई जाती है, गृहस्थ कलश प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। पूर्ण निर्माण के बाद मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठा होती है। शास्त्रों में प्रतिष्ठा पर पूरा वर्णन दिया गया है। एक और सवाल खड़ा किया जा रहा है कि 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जा रही है? तो इसका जवाब है कि गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम, नवम होने से उत्तम मुहूर्त है। वही पौष शुक्ल द्वादशी सोमवार को सर्वोत्तम मुहूर्त है और इसी वजह से प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। विजयादशमी से पूर्व गुणवत्तर लगन नहीं है। गुरु वक्री होने से दुर्बल है। बलि प्रतिपदा को मंगलवार यानी गृह प्रवेश वर्जित होता है। 25 जनवरी पौष शुक्ल को मृत्युबाण यानी उत्तम दिन नहीं। माघ फागुन में बाण शुद्धि नहीं तो कहीं पक्ष शुद्धि नहीं। 14 मार्च से खरमास यानी शुभ कर्म वर्जित। पूर्व में मुहूर्त में कमी, इसलिए तोड़े गए थे मंदिर। श्री वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय वाराणसी, इनके ओर से जो काशी के विद्वान हैं उन्होंने इस पर जवाब दिया है। सिलसिलेवार तरीके से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उस पर जवाब दिया गया है विद्वानों की ओर से। Z News.